मैं दिखाता हूँ आज आपको मुर्गे कैसे काटे जाते हैं। पहले इन मुर्गो इस मुर्गे की जो स्किन है ना बाहर की, ये रिमूव करो। मरे हुए मुर्गे तो मैं काट लेता हूँ, पर जिंदे मुर्गे काटने में मुझे डर लगती है। जिंदे मुर्गे कैसे काटेंगे यार, थोड़ा होता है ना किसी को मानना। ये तो मरे हुए हैं, ये पता नहीं कब आए होंगे दुकान में। भाई बिरयानी रेडी हो चुकी है, देखो। नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो आज ऑयल चेंज हो रहा है फ्राइज का। नीचे लगा रखा पतीला, इसमें आ रहा है काला तेल। अंदर है इसका सिस्टम खोलने वाला है टंकी का। अभी इस तेल को फिर फेंकेंगे नहीं, इसको स्टोर करेंगे। और ये तेल भी बिकता है, जो ऑयल है ना जला हुआ, ये भी बिकेगा। इससे भी पैसे आएंगे, इससे भी पैसे कमाएंगे। देखो भाई 15 लीटर तो ऑयल आ चुका है, इसमें देखते हैं कितना ऑयल जाएगा आज। देवसेब सिर्फ एक वाला साफ करना है ना। इसमें तो डेट ही ना आएगा यार, मतलब 15-20 लीटर ऑयल। वाह, 20 लीटर ऑयल आता है भाई। तो गाइस ये सैलेड का पत्ता, रॉकेट लीफ, जिसको हम धो रहे हैं आइस वाटर में। देख सकते हो आइस पिघलने लग गई है, क्योंकि नल का पानी अभी काफ़ी गर्म आ रहा है, तो इसीलिए इसको आइस वाटर में धोना पड़ रहा है, ताकि पत्ते जो है ना जल ना जाए। अगर गर्म पानी में धोएंगे, मैं नॉर्मल इस पानी में धोएंगे तो हल्का गर्म है, इससे क्या है पत्ते ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए इसको आइस वाटर में डुबाना पड़ता है। इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, जो इसमें मिट्टी लगी होगी ना वो नीचे बैठ जाएगी। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है सैलेड के जो पत्ते होते हैं उनको धोने का। तो आज चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए पहले मुझे चिकन काटना पड़ेगा। बिरयानी तो शायद देवर से बनाएंगे, ये दो चिकन भिगा के रखे हुए थे, इसको डालते पहले छन्नी में ना, इसका पानी भी निकल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आज आपको मुर्गे कैसे काटे जाते हैं। पहले इन मुर्गो इस मुर्गे की जो स्किन है ना बाहर की, ये Mali, how many dashers he give? Only one? Two. Two? Deva Sahib, two dashers diya bola. So, lo ji bhai, aa gaye hamare murghe. Haan? Mali, only two? Yeah. Bhai, another one. To ye humne 20 se kaata, is tarah se. इस तरह से इसको काटा, और इसकी जो स्किन है ये बाहर की, इसको कुछ इस तरह से हम हटा देंगे है ना। तो लो जी, इसकी स्किन हटा दी है। उसके बाद जो इस पर फेड है चर्बी को भी हटाएंगे, जो इस पर एक्स्ट्रा चर्बी है, बोलते ना चर्बी बहुत हो चुकी है तेरे पे, तो इसकी भी चर्बी हटानी पड़ेगी भाई, तब जाके ये जो है खाने के लिए तैयार होगा। तो कुछ इस तरह से पीस काटेंगे। सी क्या आवाज़ आ रही है, बाहर गेस्ट बैठे होंगे तो वो भी बोलेंगे अरे भाई क्या हो रहा है अंदर। अंदर का ही हटा देंगे जो इसके वो हैं फेबरे वगैरह। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करूँगा ना, सबके हिस्से में आ जाएगा खाने के लिए। ओके, अब बचाइए, इसका भी कुछ ऐसा ही हल करना पड़ेगा। मरे हुए मुर्गे तो मैं काट लेता हूँ, पर जिंदे मुर्गे काटने में मुझे डर लगती है। जिंदे मुर्गे कैसे काटेंगे यार, थोड़ा होता है ना किसी को मानना। ये तो मरे हुए हैं, ये पता नहीं कब आए होंगे दुकान में। तो इसको वैसे ही काटेंगे इस मुर्गे को, सेम लाइक ये इसकी गर्दन, बाकी ये इसके जो है पंगड़ी भी काट देंगे अलग अलग, ये भी खाने के काम में आएंगे हमारे।
इसके भी छोटे छोटे पीस करते हैं, कुछ ऐसे काटूंगा बस दूसरे वाले को। भाई बिरयानी रेडी हो चुकी है, देखो ठंडी में मत डालो भाई। देखो भाई क्या देवा सेव ने आज मस्त बिरयानी बना रही है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाने में भी अच्छी होगी यार। देख रो ऐसे थोड़ा ना रील बन रही है भाई, है ना दम है। तो हमारी प्लेट है देखो भाई, अरे यहाँ पे हमने रायता भी बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारी सामग्री है देखो। नहीं प्लेट लाइन लग गया क्या? रायता के साथ खाएंगे स्पेशल। चिकन भी है, चिकन भी है अंदर, बहुत आदमी सोचेगा चिकन नहीं है, चिकन भी है भाई। चिकन, अरे वाह, चिकन तो देखा हो यार तुमने यार, अरे जूसी चिकन है भाई एकदम मस्त। सेब डालो यार, नीर जा, नीर। खाओ ना, खाओ ना, 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 ना। अरे नहीं आप डालो अपने हाथ से, डालो ना यार सेब, टेस्ट और ज्यादा आएगा। हम लोग अभी कम खाना पड़ेगा शायद, पर हम कम नहीं खाएंगे ना, हम तो उतना ही खाएंगे जितना हमें भूख होगी। तो कम वो खाएंगे जो रूम पे है। मुंह में पानी आ रहा है भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम ईटिंग बिरयानी। सही में कब खाया था लास्ट टाइम, मतलब 2 महीने तो हो गए होंगे। नीचे लग गया यार, नहीं थोड़ा बहुत तो लगेगा ही ना, वो थोड़ा बहुत लगेगा। जैसे खाने का टाइम हुआ एक ऑर्डर आ गया, खाना भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। देखो भाई कितनी ले, कितना ले रखा मैंने, मैं आज पेट भर के खाऊंगा यार बिरयानी विथ रायता। एक खाते टाइम और एक क्लोजिंग टाइम, जब मतलब क्लोजिंग का टाइम होता है तब ऑर्डर आते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है। इस दो टाइम पे ऑर्डर नहीं आने चाहिए। जब फ्री बैठे थे तब ऑर्डर आए नहीं, जब खाना लिया खाने के लिए तब ऑर्डर आ गया। अभी यहाँ पे खाना इंतजार कर रहा है, तो पहले भी ऑर्डर देंगे उसके बाद खाएंगे। 10:30 भी हो चुकी है, रात को 11:30 बजे भी किचन चमक रहा है, बिकॉज हमने कर दिया क्लोजिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। कुमार भाई भी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं रूम पे, 15 मिनट बाकी हैं। लेकिन हर होटल इंडस्ट्री में एक ऐसी बात है, जब जाने का टाइम होता है तो हर किसी को जल्दी होती है। yes. आने के टाइम में हर कोई आराम से आता है और होटल इंडस्ट्री में जब भी लास्ट में जाने के टाइम में अगर कोई ऑर्डर आ जाए ना, हर इम्प्लॉयमेंट हड़बड़ा जाता है और उसका मन बहुत उदास होता है। कभी भी 15 मिनट जब जाने को रहते हैं उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आना चाहिए, ऑर्डर लगाने के लिए उसका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। वो हर कोई जो भी होटल आने वाला बंदा सुन रहा हो वो उसको ये बात याद आएगी अभी। वही ना जो सेम बात में बता रहा था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले।